हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में अपन बात करते हैं बेटा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसे आप जेड इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। देखिएगा बेटा, जेड इफेक्ट होता क्या है उसमें अपन बात करेंगे कि कोई भी एटम है उसका न्यूक्लियस होता है बेटा, ये क्या हो गया, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ये हो गए इसके नंबर ऑफ शेल, और ये होता है आउटर इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। क्लियर, ये हैं आपके इनर कोर इलेक्ट्रॉन्स जिनमें रिपल्शन हो रहा है। ठीक है, देखिए बेटा यहां पर क्या बात आती है, जैसे ही इनर कोर का इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जो है वो वीक हो, क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन वीक हो जाए, यहां पर वीक रिपल्शन होता है, वीक रिपल्शन, जिससे आउटर इलेक्ट्रॉन का जो अट्रैक्शन होता है न्यूक्लियस के टूवर्ड्स वो क्या हो जाता है, हाई। तो आप कह सकते हैं बेटा यहां पर हाई अट्रैक्शन, हाई अट्रैक्शन हो जाता है। तो आप कहेंगे बेटा कि शील्डिंग क्या हो रही है, कम हो रही है आउटर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के लिए, तो हाई अट्रैक्शन वहां पर प्रेजेंट हो जाता है। तो डेफिनेशन देखिएगा क्या होगा, नेट अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ न्यूक्लियस टूवर्ड्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन प्रेजेंस ऑफ शील्डिंग ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज जेड इफेक्ट। ठीक है बेटा, कि यहां पर अट्रैक्टिव फोर्स जो होता है, नेट अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ न्यूक्लियस हाई हो जाता है आउटर इलेक्ट्रॉन के टूवर्ड्स, और यहां शील्डिंग, इनर इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग लो हो जाती है। ठीक है, इसी हाई अट्रैक्शन को क्या कहा जाता है बेटा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड इफेक्ट कहेंगे आप। जेड इफेक्ट को डिटरमाइन करने के लिए फॉर्मूला दिया जाता है बेटा, जेड इज इक्वल टू, ये जेड इफेक्ट इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा, जेड यहां पर एटॉमिक नंबर है बेटा, और सिग्मा स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट, जो आपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है, स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट को बहुत ही अच्छे से कैलकुलेट करना भी सीखा है। तो यहां पर जेड इफेक्ट को जेड माइनस सिग्मा से कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर कहा जाता है बेटा न्यूक्लियस के टूवर्ड्स कोई भी बात करते हैं तो आप कहेंगे विथ रेस्पेक्ट टू न्यूक्लियस, जेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और आप कह सकते हैं बेटा कोई भी एटम का न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पर डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पर। तो आप कह सकते हैं बेटा जेड इफेक्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट आप बोल सकते हैं बेटा न्यूक्लियर चार्ज किसकी वजह से हो रहा है, यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन की वजह से। तो एक फॉर्मूला और आप ऐड कर सकते हैं, जेड इफेक्ट इज इक्वल टू न्यूक्लियर चार्ज माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट सिग्मा। क्लियर बेटा, यहां पर देखिएगा एग्जाम्पल कि Z का वैल्यू या Z इफेक्ट का वैल्यू किस तरीके से आप डिटरमाइन कर सकते हैं। तो देखिएगा Z इफेक्ट ऑफ बेरिलियम इज, बेरिलियम के लिए Z इफेक्ट निकालना है तो Z माइनस सिग्मा, तो सिग्मा क्या हो जाएगा, सिग्मा निकालने के लिए आपने देखा है बेटा कि पहले एटम या एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखते हैं और फिर उसका फॉर्मूला, तो सिग्मा इज इक्वल टू वन माइनस वन इन टू, ये वन ये टू है यहाँ पे, 2 माइनस 1 इंटू 0.35 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन रह गए पेनल्टीमेट सेल के इलेक्ट्रॉन, इंटू 0.85 प्लस 0, रेस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन कुछ है नहीं यहां, तो सिग्मा मिलता है आपके बेटा यहां पर 1.70। ओके, तो 1.70 माइनस करते हैं 4 में तो आ जाता है आपके 2.30। फिर देखिएगा यहां पर फैक्टर अफेक्टिंग जेड इफेक्ट, फैक्टर अफेक्टिंग जेड इफेक्ट को किस तरीके से डिस्कस किया जा रहा है यहां पर, तो यहां पर देखिएगा दो फैक्टर हैं, एक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और दूसरा है स्क्रीनिंग कांस्टेंट। तो आप कह सकते हैं फर्स्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में जेड इफेक्ट डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इट मीन आप कहेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होंगे तो न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होगा। सेकेंड है स्क्रीनिंग कांस्टेंट, और स्क्रीनिंग कांस्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेटा कि जैसे जैसे स्क्रीनिंग कांस्टेंट सिग्मा इंक्रीज होगा न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो जाता है। तो आप कहेंगे बेटा यहां पर जेड इफेक्ट मेनली डिपेंड ऑन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, जेड इफेक्ट मेनली किस पर डिपेंड करता है बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन पर डिपेंड करता है। क्लियर,
फिर आप डिस्कस करेंगे बेटा पीरियोडिसिटी इन जेड इफेक्ट, पीरियोडिसिटी इन जेड इफेक्ट। यहां देखिएगा लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो पीरियड्स में चलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन में, ये क्या है बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन जो लेफ्ट टू राइट मूव करने पर मिल रहा है आपको। तो यहां पर क्या हो रहा है बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हो रहे हैं, क्या हो रहा है नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होंगे जिससे जेड इफेक्ट भी क्या होगा बेटा इंक्रीज होगा। ऐसे ही ग्रुप में अपन बात करें टॉप टू बॉटम जाने पे, टॉप टू बॉटम चल रहे हैं तो यहां पर भी बात वही हो रही है बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हो रहे हैं जिससे जेड इफेक्ट इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि आपने देखा है बेटा जेड इफेक्ट डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। क्लियर क्या? ओके फिर नेक्स्ट एग्जांपल आप चेक कर सकते हैं बेटा जेड इफेक्ट ऑफ लिथियम, लिथियम के लिए जेड इफेक्ट तो जेड 3 माइनस सिग्मा, सिग्मा आ जाता है बेटा कैलकुलेट करने पर 1.7 तो 3 माइनस 1.7 तो हो जाता है 1.3। क्लियर बेटा? नेक्स्ट आप देखेंगे सोडियम के लिए, सोडियम के लिए हो जाएगा Z माइनस सिग्मा तो Z होता है 11 सोडियम के लिए एटॉमिक नंबर 11 और सिग्मा कैलकुलेट करते हैं 8.80 तो हो जाएगा 11 माइनस 8.80 तो 2.2 वैल्यू मिलेगी। ऐसे ही रुबिडियम की बात करें तो रुबिडियम में भी Z इफेक्ट की वैल्यू जो होती है बेटा ऑलमोस्ट 2.2 मिलती है। ठीक है देखिएगा नॉट सिमिलर ग्रुप एलिमेंट्स हैज ऑलमोस्ट सेम जेड इफेक्ट, एक ही ग्रुप के लगभग सभी मेंबर जेड इफेक्ट की वैल्यू सिमिलर रखते हैं। जैसे यहां पर आपने सोडियम को देखा बेटा, सोडियम और रुबिडियम एक ही ग्रुप के मेंबर हैं, हालांकि फर्स्ट मेंबर को छोड़ दें तो बाकी सभी मेंबर के जो जेड इफेक्ट वैल्यू होती है वो ऑलमोस्ट सिमिलर मिलती है बेटा। ठीक है नेक्स्ट आप देखेंगे बेटा मैग्नीशियम, देखिएगा मैग्नीशियम और स्ट्रॉन्शियम भी एक ही ग्रुप के मेंबर हैं तो यहां पर जेड इफेक्ट आप देखते हैं तो जेड माइनस सिग्मा तो सिग्मा हो जाता है 9.15 मैग्नीशियम के लिए, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल के फॉर्मूले से आप चेक करते हैं तो सिग्मा की वैल्यू मिलती है 9.15 तो 12 माइनस 9.15 तो मिल जाता है 2.85। क्लियर बेटा? स्ट्रॉन्शियम में देखें तो स्ट्रॉन्शियम में भी देखिएगा Z माइनस सिग्मा जेड इफेक्ट मिलेगा तो 38 स्ट्रॉन्शियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा 38 हो जाता है, जैसे यहां पर मैग्नीशियम का 12 हो रहा है। ओके तो यहां पर सिग्मा की वैल्यू डिटरमाइन करने पर, कैलकुलेट करने पर 35.15 आपको मिलेगी तो आप 38 माइनस 35.15 तो आ जाता है 2.85 तो देखिएगा 2.85 और 2.85 एक ही ग्रुप के मेंबर हैं, Z इफेक्ट की वैल्यू सेम आ रही है। ठीक है बेटा नेक्स्ट नॉट फॉर S ब्लॉक एलिमेंट्स, देखिएगा S ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए ग्रुप में जब आप चलते हैं तो Z इफेक्ट जो होता है वो सेकेंड टू थर्ड पीरियड में मूव करने पर इंक्रीज होता है, बट थर्ड टू टिल एंड मतलब 7 पीरियड तक जाते हैं तो वो कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है बेटा क्यों हो जाता है बेटा? क्योंकि यहां पर क्या बात आती है कि जेड इफेक्ट की वैल्यू जो है सिमिलर मिलती है। क्यों? क्योंकि सिमिलर प्रोटॉन नंबर इंक्रीज हो रहा होता है। एग्जांपल देखिएगा बेटा इफ जेड इफेक्ट ऑफ Be plus X beryllium plus X is 2.30 then value of X is, देखिएगा जब Z effect की value 2.30 मिल रही है तो यहां पर चार्ज क्या आना चाहिए तो यह हो जाता है बेटा यहां पर देखिएगा 1 क्यों है देखिएगा पहले shielding effect निकालते हैं 1s2 2s1 एक इलेक्ट्रॉन आप अज्यूम करें कि एक इलेक्ट्रॉन इससे रिलीज हो गया तो आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन मिलेगा बेटा 2 ये 2s में 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो आप लिख सकते हैं 1 माइनस 1 इंटू 0.35 प्लस 2 इंटू 0.85 तो आ जाता है बेटा यहां पर 1.70
और मिलेगा आपके z माइनस सिग्मा 4 माइनस 1.70, तो 2.30। तो एक कम करने पर भी आपको 2.30 जेड इफेक्ट मिल रहा है, तो आंसर हो जाएगा बेटा 1। x की वैल्यू यहां पर क्या आएगी, 1 आएगी। ठीक है बेटा, तो देखिएगा यहां पर एक बार मैं रिकॉल कर देता हूं कि किस तरीके से आप जेड इफेक्ट को डिस्कस करेंगे। तो जेड इफेक्ट का सीधा सा मतलब है कि आउटर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स है, उसी फोर्स को क्या कहा जा रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियर चार्ज आप कहेंगे, जिसे जेड इफेक्ट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर बेटा, तो ये बात आपको बिल्कुल मालूम होनी चाहिए कि न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन कब होगा, जब इनर इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग कम हो जाता है। ठीक है, ओके बेटा, तो सभी बच्चे ध्यान से वीडियो को देखिए, समझिए, कोई डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछिए। थैंक यू बेटा।